गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। वे यहां भोपाल में हो रहे समागम में भाग लेने के लिए आ रहे हैं, जिनकी सुरक्षा में 3000 जवान तैनात किए गए हैं। उधर दिल्ली में सोनिया गांधी ने मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को डिनर पर बुलाया और 2023 के चुनाव पर चर्चा की। इसके अलावा दिल्ली की जहांगीरपुर में बुलडोजर चलाए जाने की घटना का मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने स्वागत किया है। तो अयोध्या नगर गेट के सामने युवक युवती को कुचलने के प्रयास करने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा मध्य प्रदेश के तीर्थयात्री वाराणसी पहुंच गए। गृह मंत्री अमित शाह आज राजधानी भोपाल के दौरे पर है, जिनकी सुरक्षा के लिए पुलिस ने विशेष इंतजाम। कमिश्नर मकरंद देउस्कर की माने तो इसके लिए सुरक्षा की रिहर्सल से लेकर सारे इंतजाम कर लिए गए हैं। राजधानी के बाहर से करीब 1500 जवान बुलाए गए हैं। इस तरह शाह के दौरे पर करीब 3000 पुलिस जवान मौजूद रहेंगे। बता दें, अमित शाह आज जमहूरी मैदान में होने वाले समागम में भाग लेने के लिए भोपाल आ रहे हैं। आगामी जो दौरा है माननीय गृह मंत्री जी का, उसको लेकर के हमारी तैयारियां और रिहर्सल शुरू हो चुकी हैं। इसमें पुलिस मुख्यालय ने वरिष्ठ अधिकारी व अतिरिक्त बल उपलब्ध कराया है, जो लगभग 3000 के आसपास ये बल रहेगा, कुल बल जो इसमें डिप्लॉयड रहेगा। इसमें प्रत्येक स्थल पर पुलिस अधीक्षक या उससे ऊपर के अधिकारी इसमें जिम्मेदार रहेंगे और उनके सहायतार्थ कई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी दिए गए। उधर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित सुरेश पचौरी, दिग्विजय सिंह, अरुण यादव और कांतिलाल भूरिया ने दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की, जिसके बाद बुधवार को एमपी चुनाव को लेकर चर्चा की थी। सोनिया गांधी ने इसके लिए इन नेताओं को डिनर पर बुलाया। बता दें, इस डिनर के दौरान लगभग तय मान लिया गया है कि चुनाव कमलनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। साथ ही पार्टी को मजबूत करने सदस्यता अभियान पर भी फोकस किया जाएगा। इसको लेकर पूर्व मंत्री अजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने 2018 का चुनाव जीतने के बाद ही अगले चुनाव की तैयारी कर ली थी। कांग्रेस की पार्टी की बैठक छोटी हो या बड़ी हो, सब बैठक महत्वपूर्ण होती है। देखिए, 2018 चुनाव के तुरंत बाद से 2023 की जमावट शुरू हो जाती है धीरे धीरे, और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा वो थोड़ा जमावट और तेज होगी और कार्यक्रम होंगे और बैठकें होंगी। ये तो स्वाभाविक, हर पार्टी करती है। उधर दिल्ली में जहांगीरपुर में दंगों के बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा दंगाइयों घर तोड़ने कार्रवाई का मध्य प्रदेश के गृहमंत्री ने समर्थन किया। मिश्रा ने कहा कि दंगाइयों का कोई धर्म या जात पात नहीं होती, वे केवल दंगाई होते हैं और उन पर ऐसी कार्रवाई करना ठीक ही है। जो लोग समाज के अंदर शांति भंग करते हैं, जो लोग समाज के दुश्मन, उन लोगों को किसी जाति से नहीं जोड़ना चाहिए, उन्हें दंगाई ही कहना चाहिए। अतिक्रमण कारक हो, दंगाई हो, इनके साथ तो वही सलूक होना चाहिए जो होना होता है। बीते दिन एक कपल पर हमला करने वाली युवती के परिजनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हमला करने वाले परिजन पर विनोद हिरवे की रिपोर्ट पर धारा 307 के तहत कार्रवाई की गई। बता दें, मंगलवार को एक कपल स्कूटी से मिनाल रेसिडेंसी के दूसरे गेट से जा रहा था, इसी बीच एक तेज रफ्तार ऑटो ने उन्हें चपेट में ले लिया, साथ ही उन्हें मारने की कोशिश भी की। पूरा नजारा सीसीटीवी के फुटेज में कैप्चर हो गया, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर ऑटो को भी जब्त कर लिया। फरियादी और उसकी दोस्त बैठ के जा रहे थे, क्योंकि जो दोस्त थी उस दोस्त के जो लड़की के भाई और उसके साथी ने पीछे से लोडिंग ऑटो से आकर के तेज गति से स्कूटी में इसमें बाइक में टक्कर मारी, जिससे मौके पर बाइक दुर्घटनाग्रस्त हुई और उनको भी चोटें आई हैं। इस चोट आने पर से और आरोपी गण का जो कृत प्रथम दृष्टया प्राण घातक चोटें पहुंचाने की मंशा के अनुरूप था, जिस पर से धारा 307 IPC केस विनोद हिरवे की तरफ से रजिस्टर्ड किया गया है और आरोपी गण गिरफ्तार कर लिए गए हैं। लोडिंग ऑटो जिससे टक्कर मारी गई थी उस कोरियर वाहन को भी जब्त कर लिया है। उधर मध्य प्रदेश से रवाना हुई 30 सदस्य यात्रा बुधवार को वाराणसी पहुंच गई। इस बीच यात्रा के दौरान चलती गाड़ी मंत्री उषा ठाकुर ने तीर्थ यात्रा में शामिल लोगों से उनकी सीट पर जाकर मुलाकात की और सुविधाओं के बारे में जानकारी जुटाई। मंत्री ने कुछ लोगों के साथ भजन भी गाया। जब यात्रा वाराणसी पहुंची तो वहां स्थानीय प्रशासन की ओर से यात्रियों का स्वागत किया गया था। पर तीर्थ यात्रियों को चंदन का टीका लगाकर मंगलमय कामनाएं दी गई। इस बीच मंत्री उषा ठाकुर को शाल और श्रीफल देकर सम्मान भी किया गया। दिल्ली की जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर हुए दंगे के बाद आरोप अवैध अतिक्रमण को BMC ने बुलडोजर से गिराने की कार्रवाई शुरू कर दिया था। इसके बाद बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस कार्रवाई पर रोक लगा दी है। वहीं कोर्ट के आदेश के बाद भी JCB से निगम की कार्रवाई जारी रही होगा, उसको बिल्कुल माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो किया जाएगा और उसके आदेश का पालन किया जाएगा। बिल्कुल ऐसा है कि यहाँ के जंगीपुरी से काफ़ी लोगों की डिमांड थी, वो काफ़ी समय से आ रही थी कि ये जो से अवैध जो अतिक्रमण है ये बढ़ता जा रहा है, लोगों को बहुत ही दिक्कत हो रही थी, ट्रैफिक जाम हो रहा था, इसी चीज़ को निजात दिलाने के लिए ये एक्शन लिया गया।
आप अभी आगे क्या करेंगे? देखो आगे की अभी इसका लीगल व्यू देखते हैं और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको पढ़कर फिर आगे की कार्रवाई पर हम एक्शन। कार्रवाई बंद करने पर बीएमसी ने यह कहते हुए कुछ अवैध निर्माण गिरा दिए कि उसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी अभी नहीं मिली है। इस पूरे मामले में सियासत शुरू हो गई। राहुल गांधी ने कहा है कि बुलडोजर से सिर्फ मकान ध्वस्त नहीं हो रहा है, आपका हमारा संविधान भी ध्वस्त हो रहा है। तो उधर आपने भी कहा कि ये सभी दंगे भाजपा करवा रही है। उधर भाजपा ने कहा कि कानून के तहत बुलडोजर से अवैध निर्माण हटाए जाने की कार्रवाई की गई है, इसे सियासी रंग देना गलत है।